आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद में जो कोविड की बीमारी और पूरे तेलंगाना में बड़ी तेजी से फैल रही है और काफ़ी पेशेंट्स हैं, इसलिए मजलिस की जानिब से दो एम्बुलेंसेस का इंतज़ाम किया गया है जो इंशाल्लाह ताला दो महीने तक शहर हैदराबाद में उन तमाम पेशेंट्स को जिनको एम्बुलेंस की ज़रूरत है बिला मुआवजा उनके घर तक पहुंचेंगे और उनके जो अस्पताल है वहां तक पहुंचा देंगे और इस ये 24 घंटे ये एम्बुलेंस काम करेगी और इस सिलसिले में जो मजलिस को इसमें खर्चा आ रहा है करीब एम्बुलेंस के 6,40,000 और 1,60,000 इसमें इसका पीपी किट और मास्क ऑक्सीजन सिलेंडर तकरीबन 8,00,000 रुपये का खर्चा जो एम्बुलेंस के लिए आ रहा है दो महीने के लिए और ये पूरे दो महीने के लिए इंशाल्लाह ताला इसका नंबर भी दिया जाएगा। अलीम साहब इसकी जिम्मेदार रहेंगे और आपके घर तक पहुंचेंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस एम्बुलेंस सर्विस से इस्तेफादा हासिल करिए और फ़ोन करिए और आप जिस अस्पताल को जाना चाहते हैं वहाँ तक ये एम्बुलेंस आपको ले जाकर उस अस्पताल में पहुँचाएगी। और साथ ही साथ ये बात ज़रूरी मैं बताना समझता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से मजलिस चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से पिछले महीने 19,60,000 के सैनिटाइजर मुख्तलिफ मजहबी मुकामात इबादत गाहों को दिए गए। उससे पहले अप्रैल के महीने में 15,00,000 की लागत के 2,818 आशा वर्कर्स में शहर हैदराबाद के और आंगनबाड़ी वर्कर्स में पीपीई किट और सैनिटाइजर दिए गए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इससे इस्तेफादा हासिल करिए इन एम्बुलेंस से। हमारा मकसद एक ही है कि आवाम की जान को बचाया जाए और आपको सही वक्त पर आप अस्पताल को पहुंच सके, यही ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने जो भी वीडियो देखा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में। आपको मैं कहना चाहूँगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ये IMIM यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा लोगों की खिदमत में लगा रहता है। साफ लफ्जों में अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो ये IMIM पार्टी मजलूमों और गरीबों का मदद करने का नाम ही IMIM पार्टी है। जब से COVID-19 वैश्विक एक महामारी देश में आई है तब से चाहे वेंटिलेटर हो या पीपीई किट हो या लॉकडाउन में फंसे लोगों की मदद करना, जिसके पीछे करोड़ों रुपया अब तक पानी में बहा चुकी है IMIM पार्टी। IMIM पार्टी एक वाहिद पार्टी है जो इस तरह का कारनामा अंजाम दिया है। और आपको बताता चलूं कि जो ये IMIM पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है तो उनके मुँह पे ये करा तमाचा है, क्योंकि ये IMIM पार्टी हर मजहब हर जाति हर धर्म के लोगों को एक ही निगाह से देखता है। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में उन्होंने ये साबित कर दिया। दोस्तों, मेरा मकसद सिर्फ सच्ची घटना को आपको दिखाना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ में अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दें। शुक्रिया।